Hi everyone, I am Pragati from Pragati Progress Classes. Today we are going to learn previous 11th chapter Caring and Sharing. In this chapter we will learn life of Mother Teresa. Sharing is caring and caring why sharing. Who needs care in the community? The benefits of sharing with other people. Let us start this chapter. All of us must have heard the name of Mother Teresa. आप सभी ने मदर टेरेसा का नाम सुना होगा. मदर टेरेसा अल्बानिया की रहने वाली थी. उनका जन्म 26 अगस्त 1910 को हुआ था. और मदर टेरेसा बहुत बड़ी समाज सेविका थी. उनको गॉड का आवाज आया था कि आप भाई समाज सेवा के लिए पैदा हुए हो, समाज सेवा करने का. तो उन्होंने ये मिशन चलाया समाज सेवा का. और एट द एज ऑफ 12 सी हर्ड स्ट्रॉन्गली द कॉल ऑफ गॉड. शी न्यू सी हैड टू बी अ मिशनरी. एट द एज ऑफ 18 सी लेफ्ट हर पेरेंटल होम, मूव टू आयरलैंड एंड देन ऑफ इंडिया. और उन्होंने अपने जो पेरेंटल होम था, मम्मी पापा का घर, उन्होंने 18 के एज में उन्होंने छोड़ दिया घर को. और वो पहले आयरलैंड आए, उसके बाद फिर वो इंडिया आ गए. सी फाउंडेड द मिशनरीज ऑफ चैरिटी एंड वर्क फॉर द पुअरेस्ट ऑफ द पुअर थ्रू आउट हर लाइफ. और उन्होंने मिशनरीज चैरिटी का और उन्होंने मिशनरीज चैरिटी का स्थापना किया. और वो वर्क करने लगे पुअरेस्ट ऑफ द थ्रू आउट हर लाइफ. जो गरीबी रेखा के नीचे लोग रह रहे थे उनके लाइफ को पे उन्होंने वर्क करना स्टार्ट किया. और उनका हेल्प करना स्टार्ट किया, उनकी सेवा करना स्टार्ट किया. किसने? मदर टेरेसा ने. ओके, सी डाइड ऑन 5 सितंबर 1997. और उनकी मृत्यु कब हुई? उनकी मृत्यु हुई 1997 में, 5 सितंबर 1997. In 1979 मदर टेरेसा वाज अवॉर्डेड द नोबेल पीस प्राइज. सी शेयर द पेन ऑफ पुअर पीपल एंड टूक केयर ऑफ देम थ्रू आउट हर लाइफ. और मदर टेरेसा को 1979 में नोबेल पुरस्कार मिला था. किस लिए? नोबेल पीस प्राइज. शेयर द पेन ऑफ पुअर पीपल. और उन्होंने गरीबों का दुख दर्द शेयर किया था, इसके लिए नोबेल पीस प्राइज भी उनको कब मिला था? 1979 में मिला था. ओके, दस द बैगेज लव एंड रिस्पेक्ट फ्रॉम ऑल. और इस तरह से उनको सभी से बहुत प्यार और सम्मान भी मिला. This is Alex's family. They are two brothers and one sister at home. Their uncle, aunt and grandparents live with them. It is a joint family. Alex's father work in a bank. Alex की family है, उसके दो brother है और एक sister है. वो अपने uncle और aunt के साथ, grandparents के साथ अपने घर में रहता है. और इसका joint family, जिस family में मदर, फादर, अंकल, आंट, ग्रैंड पेरेंट्स और ब्रदर सिस्टर सारे साथ में रहते हैं, तो उस फैमिली को ज्वाइंट फैमिली बोला जाता है. ओके, और जो ये एलेक्स है, उसके फादर वर्क करते हैं बैंक में और मम्मा उनकी टीचर है. देयर पेरेंट टेक केयर ऑफ देम. दे फुलफिल ऑल देयर विशेज. दे हेल्प देम इन देयर स्टडीज ऑल्सो. और उनके मम्मी पापा उनकी सारी फीस पूरा करते हैं और उनका अच्छे से देखभाल करते हैं. दे ऑल्सो टेक केयर ऑफ देयर पेरेंट्स. एलेक्स अंकल शेयर्स द बर्डन ऑफ द फैमिली विद हिज एल्डर ब्रदर्स. बोथ ब्रदर्स शेयर द हाउस एंड द कार टू गो टू वर्क. और जो उनके अंकल साथ में रहते हैं वो अपने भाई के भी काम में हेल्प करते हैं. उनका जो घर का काम का बर्डन है वो हेल्प है कम करते हैं. और जो एलेक्स के अंकल है वो साथ में ही गाड़ी में जाते हैं दोनों ऑफिस. तो इस तरह से क्या होता है, साथ में रहने से बहुत फायदा होता है. हम एक ही चीज़ को साथ में शेयर करते हैं. देयर वाइफ शेयर द हाउस होल्ड वर्क. ऑल ऑफ देम केयर फॉर ईच अदर. और उनके वाइफ भी आपस में अपने काम को शेयर करती हैं और अपना वर्क है जो एक दूसरे से शेयर करती हैं. स्पेशली दे केयर फॉर एलेक्स ग्रैंड पेरेंट्स. और दोनों मिलके
एलेक्स के जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं उनका देखभाल करती हैं। लाइक एलेक्स ऑल ऑफ अस हैव आवर ओन फैमिली, वी हैव पेरेंट्स, ब्रदर, सिस्टर, ग्रैंड पेरेंट्स एंड रिलेटिव्स, है ना। जैसे एलेक्स के अब फैमिली है वैसे हमारी भी फैमिली, हमारे फैमिली में भी ब्रदर, सिस्टर, ग्रैंड पेरेंट्स, रिलेटिव्स होते हैं। वी मस्ट ऑबे एंड रेस्पेक्ट आवर पेरेंट्स, और हमें अपने पेरेंट्स का जरूर रेस्पेक्ट करना चाहिए। वी मस्ट हेल्प इच अदर एंड शेयर थिंग्स, और उनसे शेयर थिंग्स करने चाहिए और काम में भी उनके हेल्प करने चाहिए, जो हाउस होल्ड वर्क है उनमें हेल्प करनी चाहिए। वी मस्ट शेयर हाउस होल्ड वर्क टू कीप आवर हाउस क्लीन, और हाउस वर्क, हाउस होल्ड जो वर्क है यानी घर को क्लीन करना, ये सब में भी हेल्प करना चाहिए। इफ़ वी केयर फॉर अदर्स वी फील हैप्पी, अगर हम एक दूसरे का केयर करेंगे तो हम खुश रह सकते हैं। देयर आर सो मैनी पीपल हु मे नॉट वी आर फैमिली मेम्बर्स बट नीड लव एंड केयर, दे आर दोज हु आर पुअर, हु आर ओल्ड और हु हैव नो वन टू केयर फॉर देम, और बहुत सारे ऐसे पीपल होते हैं जिनके मम्मी पापा नहीं होते, पेरेंट्स नहीं होते और कोई रिलेटिव्स नहीं होते वो, और बहुत सारे ऐसे होते हैं जो गरीब होते हैं, ओल्ड होते हैं, उनको केयर की ज़रूरत होती है। ओके, वी मस्ट ट्राई एंड हेल्प देम फॉलोइंग द एग्जांपल ऑफ मदर टेरेसा, और हम लोग को उनका हेल्प ज़रूर करनी चाहिए जैसे मदर टेरेसा सबका करती थी, उनका फॉलोअर बनना चाहिए। तो आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। अभी हम समझते हैं कीवर्ड्स। रिलेटिव्स, अ पर्सन कनेक्टेड बाय ब्लड और मैरिज। रिलेटिव्स का मतलब है कि पर्सन जो लोग आपका मैरिज से या ब्लड रिलेशन से, यानी मैरिज से क्या होता है, जैसे आपके फादर का शादी मदर से हुआ तो वो क्या हो गया, मैरिज से वो रिलेटिव हो गए। ब्लड रिलेशन का मतलब क्या है, आप पापा के बच्चे हैं, है ना, तो आपका पापा के साथ ब्लड रिलेशन है, भाई के साथ ब्लड रिलेशन है। ओके, मिशनरी का मतलब है पर्सन सेंट ऑन अ रिलीजियस मिशन, स्पेशली वन सेंट टू प्रमोट क्रिश्चियनिटी इन अ फॉरेन कंट्री। ओके, मिशनरी का मतलब क्या है कि कोई एक पर्सन को रिलीजियस मिशन के लिए दूसरे कंट्री में भेजा जाता है, है ना, प्रोमोट टू क्रिश्चियनिटी, यानी जो उनका एक क्रिश्चियन जो रिलीजियस है उसको प्रोमोट करने के लिए। ओके, ताकि क्रिश्चियन लोग जो हैं बहुत ही हेल्पफुल होते हैं, ये क्या बोलते हैं, मदर टेरेसा ने दिखाया और साबित किया, और अपना पूरा जीवन है जो गरीबों की हेल्प में उन्होंने बिताया। चैरिटी, हेल्प और मनी गिवेन टू दोज इन नीड, और चैरिटी का मतलब है कि जिसको ज़रूरत है मनी का और भी किसी चीज़ के हेल्प की ज़रूरत है उसे बोला जाता है चैरिटी। फॉरेन, नॉट बिलोंगिंग टू अदर दैन वंस ओन। फॉरेन का मतलब है कि वहाँ पे हमारा कुछ भी नहीं है, जैसे हम इंडिया में हैं तो हमारा यहाँ पे सारे अधिकार हैं अपने कंट्री में, है ना, लेकिन दूसरे कंट्री में क्या है, हमारा कुछ भी नहीं है। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन लाइक, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।